अब लग रहा है कि दिल्ली में हूँ, वरना चैं चैं पैं पैं से तो परेशान हो गए थे हम लोग। सो गाइस, अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है मसूरी, मसूरी नहीं मसूरी। जैसे हमने मूवीज में देखा होगा यूपी का प्रॉपर गांव जो है ना, एक चीज तो मैंने देखी है गाइस कि यूपी के लोग अपनी मस्ती में जीते हैं। तो गाइस अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जो जगह है जो दिख रही है आपको मेरे आसपास, इस जगह का नाम है पूट, ऐसा मैप में दिखा रहा है भाई। अब यार हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में पूट को तो कुछ और ही कहते हैं। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये हिस्सा थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। सो गाइस थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो इसमें बजे सुबह के 5:30, वैसे 5:30 भी अभी करेक्ट बजे नहीं है। और आज के इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से उत्तराखंड के लिए। तो आज का जो मेरा हॉल्ट है वो रहेगा पीरू मदारा में, और आपको दिखाऊंगा मैं रास्ते की पूरी जर्नी। वैसे जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है वैसे मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो कल रात को भी बिल्कुल नींद नहीं आई, सिर्फ आधे या एक घंटे मैक्स टू मैक्स मैं लेटा हूँगा। वैसे सोया भी नहीं था, लेटा हूँगा, अलार्म से कई घंटे पहले मैं उठ गया था। तो बस ऐसे ही होता है मेरे साथ। और इस बार फर्स्ट टाइम मैं जाने वाला हूँ अपनी धन्नों के साथ, यानी कि अपनी स्कूटी में सीधा पीरू मदारा तक। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है सफ़र। तो बस अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं सीधा अपनी धन्नों के साथ। चल शुरू में जा रहा हूँ, शुरू में जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद मिलता हूँ तुझे, बाय बाय शुरू। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ घर से, लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी भी अंधेरा ही हो रहा है। तो लगभग एक घंटे और थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, फिर उजाला, गर्मी, फिर हद से ज़्यादा गर्मी। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो गाइज मैं बात कर रहा था कि जब भी मैं किसी ट्रिप में जाता हूँ तो यार रात भर नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और पिछली रात से भी मैं सोया नहीं था, लगभग मान लो कि मोटा मोटा 48 घंटे से सिर्फ 4 या 5 घंटे सोया होऊंगा मैक्स टू मैक्स, और वो भी पिछली रात को। आज रात को तो सोया ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह जाना भी था, सोचा कि देखो जा मैं किसी भी टाइम पे सकता हूँ, चाहे वो 7 बजे जाऊँ 8 बजे जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यार जितना ठंड ठंड में जितना क्रॉस किया जाए उतना बेटर है ना, ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो ये रीज़न था मेरा बस जल्दी चलने का। तो फाइनली दिल्ली कैंट आने वाला है, और उसके बाद धौलाकुआं के बाद जैसे जैसे जाता रहूँगा धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। नोएडा की तरफ से जाना है गाज़ियाबाद होते हुए सीधा हापुड़, हापुड़ से सीधा फिर अमरोहा, ऐसे करके जाना है और पीरू मदारा में रुकना है मुझे। तो ये मेरा आज का प्लान है, ठीक है? तो आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी जर्नी। धन्नो की रीडिंग में बता देता हूँ, और जब मैं पहुँच जाऊँगा तब मैं रीडिंग बताऊँगा। अगर बात करें पेट्रोल चेक की तो पेट्रोल कल रात को मैंने फुल भराया था, तो अभी भी फुल ही है और काफ़ी देर तक थोड़ा फुल ही रहेगा। अगर धन्नो की मीटर रीडिंग की बात करें, यानी कि स्कूटी की मीटर रीडिंग की बात करें, तो 55489 किलोमीटर चल चुकी है, 55489। तो लेट्स सी, और लगभग 250 से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करना है। फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल करने वाला हूँ मैं, इसलिए खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ यार, मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। अब जब थोड़ा सा उजाला होगा तभी आपको दिखाऊंगा, वरना आप लोग भी अंधेरी सुनसान सड़क के क्या देखोगे, ठीक है? मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस थोड़ी सी ठंड तो लग रही है अभी, हल्की हल्की, क्योंकि सुबह का टाइम भी है, चमचमाता हुआ सुबह सुबह के टाइम पे धौलाकुआं। लो जी क्रॉस कर दिया मैंने धौलाकुआं, 6:04। लो जी गाइस भारत का दरवाजा यानी कि इंडिया गेट आ चुका है, कंस्ट्रक्शन पीरियड पे है इसका आउटर लाइन, यह तो अलाउड नहीं है, तो कुछ ऐसा है। इंडिया गेट भारत का दरवाज़ा पहुंच चुका हूं मैं, टाइम हो रहा है 6:15, और इसी के साथ सुबह होती हुई दिल्ली मेट्रो भी दिख गई। ओ भाई घोड़े खच्चर भी दिख गए, पुरानी दिल्ली की याद आ गई। लो जी गाइस नेशनल हाईवे 3 है आई थिंक ये, और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, खाली रोड और दोनों तरफ देखो कैसे पेड़ लगा रखे हैं, पौधे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब लग रहा है कि दिल्ली में हूँ, वरना चैं चैं पैं पैं से तो परेशान हो गए थे हम लोग। भाइयों बहनों दोस्तों, ये रहा अक्षरधाम, दिल्ली का बहुत फेमस
दर्शन कर लो। गाइज मेरठ है स्ट्रेट, नोएडा इधर की साइड, गाजियाबाद भी इधर की साइड, अपने को जाना है थोड़ा बहुत स्ट्रेट। तो गाइज जितनी ठंड लगनी थी लग चुकी है, अब धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ रही है। वैसे भी गर्मी लगनी थी, आगे आगे जाऊंगा तो गर्मी लगने लग जाएगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। और टाइम अपडेट 6:34। सो फाइनली गाइज, ऑफिशियली मैं पहुंच चुका हूँ बाबा बुलडोजर के शहर, यानी कि योगी आदित्यनाथ के यूपी में। सो वेलकम टू यूपी। सो गाइज अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है मसूरी। उत्तराखंड वाला फील तो नहीं आ रहा, बट हाँ रोड खाली है तो मजा आ रहा है। सो गाइज ये मुझे पहला टोल प्लाजा दिखा है, बट अपने को टोल नहीं कटवाना, अपने को जाना है इधर से क्योंकि टू व्हीलर है भाई, इसीलिए। लो जी गाइस हापुड़ भी क्रॉस कर दिया, हापुड़ इस साइड को है, अभी जा रहा हूँ मुरादाबाद की तरफ। समय जो हो रहा है वो है 7:21 और लगभग मैं 70 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ घर से, 70 किलोमीटर हरियाली साइड। आई थिंक ये नया फ्लाईओवर बना है, कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है और रोड भी काफ़ी अच्छी है, बीच बीच में बन भी रही है। तो अभी मैं 10-15 किलोमीटर और बाद एक हॉल्ट लेने वाला हूँ, कम से कम 15-20 मिनट का आराम से चाय वाय पीऊंगा, कहीं देखता हूँ ढाबे वाबे मिले तो। जी गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हापुड़ बाईपास में, यहां से चाय पी ली है, अभी निकल रहा हूं सीधा आगे की तरफ, स्कूटी भी ठंडी हो चुकी है थोड़ी बहुत। ये है हापुड़ बाईपास, इस साइड से आया हूं मैं, इस साइड को जाऊंगा। 30-40 मिनट का ब्रेक ले लिया, यहां से चाय पी ली, चाय तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अभी निकल रहा हूं मैं सीधा आगे की तरफ, 8:20 हो रहा है, अभी सारी चीज़ें रख ली, चेक वेक करना ज़रूरी है, एम्बुलेंस आ रही है रास्ता दो। और अभी निकलते हैं आगे की तरफ, अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, लगभग 85 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लिया था, अभी 85 किलोमीटर और करूंगा, फिर एक और रेस्ट लूंगा और फिर तीसरे रेस्ट में सीधे घर पे ही पहुंचूंगा, यानी कि पीरू मदारा। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं जा कहां रहा हूं, मैं जा रहा हूं पीरू मदारा, वहां से निकलूंगा अगले दिन कहीं और अपनी मंजिल की तरफ, और मेरे साथ रहेंगे अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश घिल्डियाल। अगर आप लोग मेरे स्टार्टिंग से ब्लॉग्स वगैरह फॉलो कर रहे हो तो आप लोग उसको जानते ज़रूर होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगा उससे, तो आप लोग टेंशन मत लो, एंजॉय करो राइड को, धन्नो अच्छी है, बेस्ट है, पूरा का पूरा साथ दे रही है। ये बस वाला कैसे चला रहा है देखो गाइस, टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहा है। तो ये हापुड़ बाईपास के बाद का मार्केट, जगह का नाम तो नहीं मालूम बट ये है छावनी हापुड़ लिखा हुआ है, अब पता नहीं मतलब कि अब हापुड़ से आगे की तरफ आ गया हूँ मैं। तो गाइज ये कोई हापुड़ का इलाका है, बक्सर लिखा हुआ है और हापुड़ के अंदर ही आता है शायद, बाहर आता है मुझे इतना नहीं मालूम। और छोटे मोटे घर हैं इधर पे, खेत वेत है, बट यहाँ की रोड बड़ी सही है यार, मज़ा आ गया रोड को देख के, मतलब इतनी साफ और अच्छी रोड बना रखी है, मज़ा आ गया देख के, देखो कितनी अच्छी रोड है और आसपास सिर्फ खेती खेत। जब मैं बरेली में था तो वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ता था, इस साइड भी खेत, इस साइड भी खेत, आम के पेड़ थे इस साइड और ऐसे रोड थी, बट उस टाइम पे बहुत ख़राब रोड थी, मतलब 2007-08 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 से मैं कभी वापस बरेली गया नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि क्या डेवलपमेंट हुई भी है, नहीं भी हुई, अभी भी हो रही है या नहीं हो रही, बट यहाँ पे ये रोड देख के मज़ा आ गया यार, सुकून भरा ठंडा सा इलाका है आराम से,
मस्त मजे में जाओ, पेड़ पौधे खूब है इधर पे। जैसे हमने मूवीज में देखा होगा यूपी का प्रॉपर गांव जो है ना, वो यहाँ पे मुझे प्रतीत हो रहा है। चिमनी है, उपले कर रखे हैं लोगों ने, घर हैं इस साइड, घर इस साइड भी हैं, खेत भी हैं, रोड भी है, और टांगे वांगे सब है इस साइड। तो सेम ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, और ये है भी यूपी का प्रॉपर गाँव ही लग रहा है मुझे। बाकी कोई इधर से है तो फिर बताओ प्रॉपर गाँव है या फिर नहीं, या फिर इससे भी कोई और प्रॉपर गांव है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, देखो खेत गन्ने की खेती हो रही है, और आगे तांगा वांगा सब, ट्रैक्टर ट्रैक्टर सब, कितना सुकून सा मिल रहा है, कोई ची चा चू कुछ भी नहीं है ज़्यादा। लो जी ढोलपुर पहुँच गया हूँ मैं, और कोई डेहरा कुटी नाम की जगह है, वो आने वाली है बस। बड़ी सही रोड लग रही है यार, मजा आ रहा है इधर पे चलाने में, बहुत ज्यादा बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। रोड भी काफी चकाचक बना रखी है, चका चक जिसको बोलते हैं ना, मस्त। तो गाइस जिस जगह की मैं बात कर रहा था, ढेरा कुटी, यही है वो ढेरा कुटी, और ये आगे मेन रोड, तो मुझे जाना है लेफ्ट हैंड साइड। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी यहाँ पे, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया ढेरा कुटी ने। एक चीज तो मैंने देखी है गाइस, कि यूपी के लोग अपनी मस्ती में जीते हैं थोड़ी सी लापरवाही भी करते हैं, जैसे हेलमेट वगैरह नहीं पहने, 90% लोगों ने नहीं पहने हुए, अपनी मौज मस्ती में जीते हैं। और मास्क वगैरह का मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चलन ही नहीं रहा। मैं पहले भी आया हूँ जब कोविड था, पीक पे था एक टाइम पे, उस समय भी यूपी के लोग कुछ नहीं पहन रहे थे मास्क वगैरह अपनी मस्ती में। बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी चाहिए यार। खैर मास्क तो मैंने भी नहीं पहना हुआ बट हेलमेट पहना हुआ यार। जगह जगह पे मंदिर है, छोटे छोटे रास्ते हैं, ऐसे छोटे मोटे घर हैं, अब ये पेट्रोल पंप भी है, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया, जीसा आ गया मतलब। तो गाइज अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जो जगह है जो दिख रही है आपको मेरे आसपास, इस जगह का नाम है पूट, ऐसा मैप में दिखा रहा है भाई। अब यार हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में पूट को तो कुछ और ही कहते हैं, अब मैं बता नहीं सकता क्या कहते हैं, लेकिन जो भी है बढ़िया है, मस्त मजा आ रहा है। और ये देखो छोटा सा बुलडोजर बाबा, ओह भाई मार मत दियो, मजा आ गया मतलब नाम पढ़ के पूट। तो गाइज आपको ये छोटी छोटी चिमनियाँ दिख रही है, इसमें गुड़ बन रहा है, तो गन्ने का रस निकाला जा रहा है और गुड़ बन रहा है। ये देखो पूरा गन्ने की खेती हुई होगी और यहाँ पे गुड़ बन रहा है। ये देखो गाइज यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है इस साइड को पूरा का पूरा। और ब्रज घाट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या खूबसूरत नजारा है यार, दिल छू गया यार। लो जी गाइस गंगा जी के दर्शन कर लो, ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ पे बट थोड़ी सी गहरी है। तो ये है गंगा जी, अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 9 के ऊपर, तो NH 9 के ऊपर हूँ, नीचे है गंगा जी, जय हो गंगा मैया। और उधर की साइड है घंटा घर, कुछ बढ़िया लग रहा है नज़ारा। तो गाइस अब धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती हुई, और जो टाइम हो रहा है 9:15, आज से कई साल पहले तक गंगा जी वहाँ तक बहती थी, इतना रास्ता जो है इसलिए उतना लंबा पुल बनाया गया था, बट अब देखो कितनी कम हो गई, शुरू होती ख़त्म हो गई इस जगह पे। और पीछे की साइड है गंगा घाट, जहाँ पे घंटा घर जैसा लग रहा था, इस साइड भी है गंगा घाट इस साइड को। ये पता नहीं जगह कौन सी है मुझे नहीं मालूम, बट ये NH 9 है। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये हिस्सा थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, तो जो सामान है इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता, वरना ये ऐसे लटके जा रहे हैं। तो बड़ी देर बाद मुझे ऐसे ख़राब रोड मिली यूपी में, बड़ी देर बाद मतलब अभी फर्स्ट टाइम मिली ऐसी रोड, इतनी ख़राब नहीं है बट अब तो सही हो गई, फिर से सही हो गई, थोड़ा सा पैच उबड़ खाबड़ था, ख़राब नहीं था उतना। तो गाइस ये कोई चौक आ गया, जगह कौन सी है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे जाना है स्ट्रेट इस साइड को। तो गाइस जो जगह है ये है दीनदयाल उपाध्याय जी द्वार, और गजरोला के अंदर ही आता है ये, और यहाँ से अमरोहा
25 किलोमीटर की दूरी पे है, अब फिर से वही रास्ता आ गया, मस्त मज़ेदार। सो गाइस थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए, रास्ता देखो थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। बस यहीं तक, अब फिर से वैसा ही रास्ता ठीक ठाक। ओ भाई गाइस ये कैसे ओवरलोड चल रहा है, ये जगह भी नहीं दे रहा। देखो कैसे ओवरलोड चल रहा है, बाप रे पूरा भूसा भर रखा है इसने। तो गाइस एक हॉल्ट लिया यहाँ पे, गन्ने का जूस पी रहा हूँ। खिदमतपुर नाम की जगह है, यहाँ से उत्तराखंड की नंबर प्लेट दिखने लग गई, मतलब उत्तराखंड ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसी 50-60 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएगा शायद। यूके की गाड़ियाँ दिखने लग गई मुझे। क्या नाम है आपका? रवि। रवि 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 रवि। अच्छा तो कहाँ से हो तुम लोग? अच्छा तो ऐसे ही घूमते हो इधर। तो गाइस यहाँ पे गन्ने के जूस के मज़े लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, ज़्यादा भी नहीं लग रही, दिल्ली से बहुत कम है। तो गाइस 20 रुपये का गन्ने का जूस, फ्रेश गन्ने का जूस, और मैं 2 गिलास पी गया। सही बच्चा सही था, क्यूट सा था, मतलब ये आपके वीडियो देखूंगा, मतलब देख लेना। जूस पीने में मज़ा आ गया गाइस, कसम से, पहले चाय पी अब जूस पिया, चाय का भी मज़ा कुछ और है और इसका भी मज़ा कुछ और है ऐसे रास्ते में।